मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सिक्रेटरी टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सेक्रेटरी टिश्यू के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्रावी उत्तक, स्रावी उत्तक क्या होते हैं? स्रावी उत्तक इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिक्रेशन का कार्य करते होंगे। पादपों में भी अलग अलग तरह के सिक्रेशन होते रहते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी सिक्रेशन होता है। ये सिक्रेशन पादपों में उत्तकों के अलग अलग जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पेशल जो ग्लैंड्स पाई जाती है उनके अंदर होता है, जैसे नेक्टर, रेजिन, म्यूसिलेजिनियस सबस्टेंस, ऑयल, रबर चीर, गोंद, वैक्सी सबस्टेंस, क्यूटीन आदि, इन पदार्थों का सिक्रेशन होता रहता है। और ये सिक्रेशन प्लांट्स में विशिष्ट अंग पाए जाते हैं उनसे होता है। पादप में पाए जाने वाले विभिन्न मॉडिफाइड कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह जो विशेष पदार्थ के सिक्रेशन का कार्य करता है उसको सिक्रेटरी टिश्यू कहा जाता है, स्रावी उत्तक कहा जाता है। इन सिक्रेटरी टिश्यू को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर और इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर। बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। बाह्य स्रावी संरचनाएं हैं, इनको फिर हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, छह भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या है, बाह्य स्रावी संरचनाएं क्या है, इन्हें उत्सर्जी संरचना भी कहते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा स्रावित पदार्थ जो है वो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, उपापचय के दौरान बनते हैं। सामान्यतः बाह्य स्रावी संरचनाएं एपिडर्मिस अथवा हाइपोडर्मिस परतों में पाई जाती है और इनके उत्पाद विभिन्न पादप अंगों की सतह पर स्रावित होते हैं। इनको आगे डिवाइड किया गया है, छह भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रंथिल रोम अथवा ग्रंथियां, ग्लैंडुलर हेयर और ग्लैंड्स। सेकंड, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तीसरा, दंसन रोम, स्टिंगिंग हेयर्स। दंसन रोम, मकरंद कोष, नेक्टर्स, ऑयल डक्स, तेल ग्रंथियां, जल रंध्र, हाइड थ्रोट्स। पहला है ग्लैंडुलर हेयर्स। ये जो हेयर्स है अधिचर्म पर, एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ये एक कोशी के भी हो सकते हैं और बहुकोशी के भी हो सकते हैं। ये कुछ पादपों में म्यूसिलेजिनियस सबस्टेंस तथा टर्पिन्स का आधिक्य होता है। ये विभिन्न पादप अंगों पर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल गुलाब के कलिका सल्क और वायला अथवा बोहराविया डिफ्यूजा के फलों पर इस प्रकार के रोम पाए जाते हैं। कीटाहारी पादप में व्रंत युक्त ग्रंथि श्लेष्मी पदार्थ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का सिक्रेशन करती है जो कीट को सतह पर चिपकने में सहायता करता है। इसमें एक वृहत आधारीय कोशिका होती है जो संचयी कोशिका भी होती है तथा मध्य भाग में स्तंभी कोशिका से तथा ऊपरी शीर्ष भाग 2 से 8 कोशिकाओं से बना होता है जो श्लेष्मी पदार्थों का सिक्रेशन करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये कीटाहारी पादप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के कीटों को आकर्षित कर उन्हें फंसाती है। इन पादपों की कीट पिंजर संरचनाओं में अथवा उनके पास ही विशिष्ट पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो विशेषकर प्रोटीन अपघटन स्रावित करती, प्रोटोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। निपेंथेस प्लांट, इसके अनेक प्रकार की ग्रंथियां, ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल
फोम से समान होते, परंतु उनके कार्य व कंडीशन और स्थिति भिन्न भिन्न होती है। ये सामान्यतः बाह्य त्वचा से विकसित होते हैं, एपिडर्मिस से विकसित होते हैं तथा ग्रंथिहीन होते हैं। ग्रंथि में परिधीय कोशिकाएं कुछ केंद्रीय कोशिकाओं को घेरे रहती है तथा इसके आधार पर इनमें जलापूर्ति के लिए वाहिनिकाएं होती है। ये ग्रंथियां इस पादप के घट के ढक्कन की भीतरी सतह पर पाई जाती है एवं मकरंद स्रावित कर कीटों को आकर्षित करती है, अतः मोहक ग्रंथि भी कहते हैं इसको। घट में उपस्थित पाचक ग्रंथियां कीटों के पाचन हेतु एसिड फास्फेटेज तथा एस्टरेज का सिक्रेशन करती है। ड्रोसेरा नामक प्लांट में भी स्पेचुला के आकार की पत्तियों की सब टर्मिनल सिरे पर व्रंथयुक्त ग्रंथियां होती है। इनमें वाहिनिकाएं अंदर तक जाती है। वाहिनिकाओं के सिरों को 2-3 परतीय संरचना घेरे रहती है, जो बाह्यतम परत क्यूटिकल से घेरे रहती है। तीसरा है स्टिंगिंग हेयर्स, दंसन रोम, बिच्छू बूटी, अर्टिका अर्निस नामक पादप की पत्तियों की अर्टिका यूरेनस नामक पादप की पत्तियों की सतह पर दंसन रोम पाए जाते हैं। दंसन रोम या स्टिंगिंग रोम के का गुब्बारे नुमा आधारी भाग एपिडर्मिस से में धसा रहता है तथा इस रोम का ऊपरी भाग कैपिलरी ट्यूब के समान होता है जिसका शीर्ष गोलाकार होता है। किसी जीव की त्वचा के संपर्क में आने पर गोलाकार शीर्ष टूट जाता है तथा तीखा अग्रभाग त्वचा में घुस जाता है। फूले हुए आधारी भाग पर दबाव से प्रकोपक पदार्थ त्वचा में छोड़ दिया जाता है जिससे मनुष्य को खुजली, चर्म रोग, प्रकोपन आदि समस्याएं हो जाती है। ये रोम पादप की कीटों व जंतुओं से रक्षा करता है। चौथा है मकरंद कोष, नेक्टरीज। पुष्पीय पादप में नेक्टर्स सिक्रेशन होता है जिनको मकरंद कोष कहते हैं। मकरंद आकर्षक गंधयुक्त पदार्थ होता है जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज तथा अमीनो अम्ल इत्यादि होते हैं। ये परागकारियों को आकर्षित, पोलिनेटर्स को आकर्षित करता है। मकरंद कोष सामान्यतः पुष्प के विभिन्न भागों पर पाए जाते हैं, इन्हें पुष्पीय मकरंद कोष भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त ये पादप के अन्य भागों पर भी पाए जाते हैं जिन्हें पुष्प बाह्य मकरंद कोष, एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज भी कहते हैं। पुष्पीय मकरंद कोष यूफोर्बिया पल्चिराइमा में परिचक्र के किनारों पर, रेननकुलस में दल पर, ट्रोपियोलम तथा रेननकुलस की कुछ प्रजातियों में दलपुट में, सरसों व क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों में पुंकेसरों के आधार पर तथा नींबू आदि रूटेसी कुल के सदस्यों में जायांग के आधार पर डिस्क के रूप में पाए जाते हैं। पुष्प बाह्य मकरंद कोष पुष्पीय व्रंथ के आधार पर, पत्तियों पर, पर्ण व्रंथ पर अथवा पर्ण फलक पर भी पाए जाते हैं। मकरंद कोष की कोशिकाएं एपिडर्मिस तक सीमित हो सकती है अथवा कुछ गहरी धंसी हुई हो सकती है। स्रावी उत्तक पर क्यूटिकल की परत होती है। कुछ मकरंद कोषों में सवर्ण उत्तक नगण्य अथवा बहुत कम होता है, परंतु कुछ अन्य में स्पष्ट सवर्ण पुल होते हैं। पांचवा है ऑयल डक्ट्स, तेल वाहिनी। ये विशिष्ट कोशिकाएं छोटी ब्रश के समान ग्रंथियां होती जो विशेष रूप से अधिकांशतः खुशबूदार पादपों में पाई जाती है तथा वाष्पशील तेल का सिक्रेशन करती है। एग्जाम्पल नरगिस के पुष्पों एवं जैस्मिन के पुष्पों में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। लेवेंडर के पौधों में भी ऐसी संरचनाएं ग्लैंडुलर हेयर्स के रूप में पाई जाती है जिससे इन प्लांट्स में हम देखते हैं कि खुशबू आती रहती है। जलरंध्र, हाइडथोड्स, ये जल का निःश्रवण करने वाली संरचनाएं होती हैं जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली पादपों की पत्तियों के शीर्ष अथवा शीर्ष के निकट पाई जाती। इन्हें जल स्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। आर्द्र वातावरण में मूल दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः निःश्रवण दाब बढ़ जाता है। इसके कारण जल पत्ती के अंतराकोशिकीय अवकाशों में एकत्र हो जाता है तथा जल बिंदुओं के रूप में जल रंध्रों से बाहर आ जाता है। यह प्रक्रिया बिंदु स्राव कहलाती है।
बिंदु स्राव द्वारा निकला गया जल लवणीय होता है। तीन प्रकार के जलरंध्र पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर जलरंध्र, ट्राइकोम जलरंध्र और समन उत्तक युक्त जलरंध्र। एक कोशिकीय जलरंध्र के एग्जाम्पल है एनामिटा कोकुलस तथा ग्रोनुकेरियम पायरिफोर्मी। इसमें अधिचर्म में कुछ कोशिकाओं से श्लेष्मी पेपिला के रूप में बनते हैं, जिस पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। रोम जलरंध्र, ये दो भागों से मिलकर बने होते, आधारी भाग जो अधिचर्म में होता है तथा अग्र भाग अथवा काय भाग जिसमें कुछ कोशिकाएं रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। यह जलरंध्र बहुकोशिकीय रोम के समान प्रतीत होता है, एग्जाम्पल फेशियोलस एवं काली मिर्च में उपस्थित जलरंध्र। समन उत्तक युक्त जलरंध्र, आर्द्र वातावरण में उगने वाले पुष्पीय पादपों की पत्तियों के शीर्ष पर अथवा पत्ती के किनारों पर इस प्रकार के जलरंध्र पाए जाते हैं। जलरंध्रों में पत्ती की सतह पर रंध्र होते हैं, परंतु ये रंध्र सिराओं के सिरों से संबद्ध होते हैं। सामान्यतः रंध्रों की भांति इनमें भी द्वार कोशिकाएं होती है। जलरंध्र अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तथा अधिकांशतः खुले ही रहते हैं। इन रंध्रों के नीचे वायुकोश होते हैं, जिनके नीचे अंतराकोशिक स्थल युक्त मृदूत की कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें सिरांतिका एवं एपिथेम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है घास की पत्तियां, पिस्टिया ट्रोपियोलम तथा टमाटर। इन पत्तियों में समन उत्तक युक्त जलरंध्र पाया जाता है। इसके बाद में सेकंड है इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, आंतरिक स्रावी संरचनाएं। पादपों में ये जो है मूल, तना, पत्तियां, पुष्प अथवा फल इत्यादि के उत्तकों में धसी हुई होती है। इस तरह की संरचनाएं पादप के, ये स्रावी संरचनाएं पादप के अंगों जैसे मूल, तना, पत्तियां, पुष्प, फल आदि में धसी हुई पाई जाती है। इसके टाइप है अंतःस्रावी कोशिकाएं, सिक्रेटरी सेल्स, ऑयल ग्लैंड्स, रेजिन डक्ट्स, लेटिसिफेरस टिश्यू। अंतःस्रावी कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं जो है ये विचित्रक कोशिकाएं, आइडियोब्लास्ट अथवा उत्सर्जी विचित्रक कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं में गोंद, रे, तेल, राल, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका विंटरेसी और मैग्नोलियसी कुल के सदस्यों में ये कोशिकाएं पाई जाती। नीम के कुल मिलियसी में भी इस प्रकार की कोशिकाएं राल समान पाई जाती। मालवेसी तथा कैक्टेसी कुल के सदस्यों में भी श्लेष्मी पदार्थ स्रावित करती है। ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में भी इन कोशिकाओं में मायरोसिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। रोजेसी, वाइटेसी तथा मीटेसी कुल के सदस्यों में भी टेनिन युक्त अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती। ऑयल ग्लैंड्स, ये ग्रंथियां गंधयुक्त वाष्पशील तेल का सिक्रेशन करती है। इन ग्रंथियों की उपस्थिति अनेक पादपों का लाक्षणिक कैरेक्टर होती है, जिसमें से तेल का सिक्रेशन होता रहता है। यूकलिप्टस में तेल ग्रंथियां पाई जाती है, नींबू, संतरा, इनमें भी तेल ग्रंथियां पाई जाती है। फ्रेजिन डक्ट्स, राल वाहिनियां एक प्रकार की वियुक्ति जात ग्रंथि है, जो शंकुधारी वृक्षों के भरण उत्तक तथा समन उत्तक में पाई जाती है। इसमें एपिथीलियम कोशिका एक केंद्रीय गुहा को घेरे रहती है। इन कोशिकाओं में प्लास्टिड अपेक्षाकृत अल्प विकसित तथा अंतःप्रदर्वी जालिका से घिरा रहता है। नाल राल नलियां या रेजिन डक्ट्स अक्षीय व अरीय दोनों में ही विकसित हो सकती है। इसके अलावा ये जो नलियां हैं पादप अंग के क्षतिग्रस्त होने पर भी काम आती है। चौथा है रबड़ छीर उत्तक, लेटिसिफेरस टिश्यू। रबड़ छीर पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होती है, जो रबड़ छीर का श्रावण करती है। रबड़ छीर उत्तकों की कोशिकाएं जीवित होती है। रबड़ छीर दूध जैसा सफ़ेद, रंगहीन अथवा पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है।
इसमें अनेक पदार्थ जैसे शर्करा, एल्कलॉइड, रबर, टेनिन, विकर, प्रोटीन आदि एक्वस मैट्रिक्स में पाइसी अवस्था में इमल्सिफाइड कंडीशन में रहते हैं। रबर छीड़ की उपस्थिति अनेक पादपों का लाक्षणिक कैरेक्टर होती है। पपीते के रबर छीड़ में विकर पेपेन होता है। चीकू के रबर छीड़ में चिक्कल गोंद पाया जाता है। बरगद में प्रोटीन तथा रबड़ में रबड़ होता है, हीविया ब्रेसिलेंसिस। रबड़ छीड़ पादप के विभिन्न अंगों जैसे तना, पत्तियों व अन्य भागों में भी पाया जाता है। किसी भाग को काटने पर निकलने वाले रंगहीन दूधिया अथवा पीले गाढ़े द्रव के रूप में देखा जा सकता है। केलाट्रोपिस प्रोसेरा, यूफोर्बियसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लिपीडियसी कुल के अनेक सदस्यों में लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ छीट संरचनाओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आर्टिकुलेटेड लेटिसिफेरस और नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफेरस। संघित रबड़ छीरी अथवा रबड़ छीट वाहिकाएं, यह अनेक रबड़ छीरी कोशिकाओं के मध्य के सिरों पर अनुप्रस्थ पटों के घुलने से बनती है। इस प्रकार अनुप्रस्थ पटों के न रहने से ये जाल सा बना लेती हैं, जिसमें अनेक शाखित अथवा अशाखित रबड़ छीरी तत्व होते हैं। रबड़ छीरी वाहिकाओं का तंत्र संकोशिकी होता है। चूंकि ये वाहिकाएं अनेक कोशिकाओं की संधि के कारण बनती है, अतः इसलिए इसको संधित रबड़ छीरी कहते हैं। एग्जाम्पल, अफीम में शाखित रबड़ छीरी वाहिकाएं तथा केले व चीकू में अशाखित रबड़ छीरी वाहिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा है असंधित, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफेरस और लेटिसिफेरस सेल्स। यह बहुकेंद्र की अशाखित अथवा शाखित एवं बहुत लंबी कोशिकाएं होती है, जो मृदूत की कोशिकाओं के बीच बीच में फैली होती है। ये कोशिकाएं कभी भी आपस में संलयित फ्यूज्ड नहीं होती तथा रबड़ छीरी वाहिकाओं की भांति जाल नहीं बनाती। एग्जाम्पल, कनेर, आँख, केलाट्रोपिस प्रोसेरा, एपोसाइनेसी, एस्क्लिपीडियसी व यूफोर्बियसी कुल के अनेक सदस्यों में रबड़ छीरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये है स्रावी उत्तक, यानी विभिन्न जो प्लांट्स हैं उनके अंदर आप देखते हो किसी में स्पेशल गंध आती है, किसी में लेटेक्स निकलता है, किसी में गोंद निकलता है, किसी में तेल निकलता है। तो ये इसी कारण से जैसे मेडिसिनल यूज़ किए जाते हैं सभी प्लांट्स के, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, अलग अलग कैरेक्टर होता है, तो उसके अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से उसके उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, स्रावी उत्तक पाया जाता है। इस स्रावी उत्तक के पाए जाने से उसमें डिफरेंट टाइप के सीक्रेशन होते रहते हैं, वो सीक्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो आप इस वीडियो को सुनना और समझने की कोशिश करना और किताब लेके आइए, किताब में देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से बात कर सकते हो। इस कोरोना के टाइम में आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, टेक केयर, बाय बाय।